राजस्थान में सर्दियां शुरू हो गई हैं और राजस्थान की कड़ाके की ठंड जो है सबको कमकमा रही है। ऐसे में रहन बसेरों की बात की जाए तो जयपुर शहर की बात की जाए तो जयपुर शहर में नगर निगम ने रहन बसेरे बनाए हैं, कई सैकड़ों की तादाद में बनाए हैं। आज हम हाल फिलहाल खड़े हैं अलवर रोड के पीछे रहन बसेरा है, वहाँ पर खड़े हैं। हम दिखाना चाहेंगे जो वहाँ की व्यवस्था है वो किस प्रकार से माकूल है या नहीं, कोविड को लेकर क्या उनकी व्यवस्था है, महिलाओं को और पुरुषों को लेकर क्या व्यवस्था है, क्या किस प्रकार से खाना दिया जाता है, खाने की व्यवस्था भी फ्री की गई है। हम अंदर ले चलने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे हम कुछ यहाँ पे जो दिखाएंगे हम आपको कि किस प्रकार से यहाँ पे लगातार जो है पब्लिक जो है आ रही है और अपना रैन बसेरों में अपना रात बिता कर निकल रही है। देखिए मेरे सामने देख सकते हैं कि 100 बेड का ये रैन बसेरा है जो लगातार कहीं ना कहीं शो करता है कि जो व्यवस्था की गई है माकूल व्यवस्था की गई है। बाकायदा यहाँ पे जो चदरें मिलती हैं और दरी बिछानी नहीं मिलती है नीचे, और उसके ऊपर जो ये कहीं गद्दा मिलता है एक तरीके से, और अच्छी खासी रजाई मिलती है। इस भरी ठंड में लगातार जो है पब्लिक जो है प्रदेश के विभिन्न अंचलों से, क्योंकि नज़दीक की सबसे बड़ी बात खासी बात यही है यहाँ पे कि यहाँ पे नज़दीक ही SMS अस्पताल पड़ता है जहाँ पे देश से प्रदेश से लगातार कई लाखों की संख्या में मरीज और पेशेंट उनके साथ आते हैं। तो पेशेंट तो अंदर बढ़ती जाता है लेकिन उनके जो परिजन हैं वो लगातार यहाँ पे रुकने की उनकी समस्या हो जाती है। लेकिन देखिए मैं दिखाना चाहूँगा सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये कि पेशेंट जो हैं वो लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं और लेट रहे हैं, हालांकि इनको नींद आ रही है, हम इनसे बात नहीं कर सकते क्योंकि रात के 11:30 से 12 बज रहे हैं और हम नहीं चाहते इनको डिस्टर्ब करें, लेकिन अगर कोई जगता हुआ मिला तो हम डेफिनेटली उनसे आपकी बात कराएंगे, मुलाकात कराएंगे। देखिए ये सारे जो गद्दे हैं बाकायदा बेड लगे हुए हैं, नीचे भी व्यवस्था की गई, जब यहाँ से फुल हो गया है तो हम कैमरा पर्सन जाकर दिखाएं इनको भी, क्योंकि यहाँ पर भी नीचे भी व्यवस्था की गई है और पब्लिक जो है आमजन जो है प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आया हुआ इस कड़ाके की ठंड में कहीं ना कहीं रात की महसूस कर रहा है। नगर निगम का ये बहुत सरोकार कार्य है। बात यहाँ पे कोविड की करें तो कोविड की बात को भी यहाँ पे नकारा जा सकता है क्योंकि कोविड प्रदेश में फैल रहा है, पूरे देश में फैल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आयुष मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है, बावजूद इसके राजस्थान गवर्नमेंट की बात करें राजस्थान गवर्नमेंट भी लगातार कहीं ना कहीं इसमें मॉनिटरिंग कर रही है। बद्रीनाथ शर्मा की सरकार बन गई है, डबल इंजन की सरकार बन चुकी है और कोविड को लेकर भी कहीं ना कहीं अवेयर किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन फिर भी अगर बात करें सोने की, रात गुजारने की ठंड में, हमारे साथ कुछ जग रहे हैं कोई सर आपसे बात करना चाहेंगे, खड़े होंगे थोड़ा सा एक बार, आप थोड़ा सा एक बार खड़ा हो जाइए। कहाँ से आए हैं आप? क्यों आए हैं आप? हॉस्पिटल में बीमार आदमी, यहाँ पे सोने लिए आ गए सर। कैसी क्या व्यवस्था है यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ? अच्छी व्यवस्था है सर। खाना मिला आपको? खाना अच्छा, सोने के लिए व्यवस्था अच्छी, कोई परेशानी नहीं सर। बिल्कुल देखा आपने, हमने एक राहगीर से या फिर एक जो अंचल से आए हैं उनसे बात की, उन्होंने साफ साफ कहा कि खाना भी अच्छा मिला यहाँ पे और सोने की व्यवस्था भी उचित माकूल व्यवस्था की गई है नगर निगम द्वारा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं साफ हो जाता है कि बद्रीनाथ शर्मा की सरकार बनी है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा काम करेगी, अच्छे जो ललक है पब्लिक के दिलों दिमाग में, उत्साह है वो कहीं ना कहीं आगे बरकरार रहेगा। ये तमाम जो व्यवस्था है देखते हैं, यहाँ पे केयर टेकर की व्यवस्था भी बताई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि ये जो व्यवस्था है वो नगर निगम द्वारा की गई है और जो आमजन है प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आया हुआ इस भरी ठंड में हमारे साथ है। कुछ सर आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम आपका? किशन लाल है। कहाँ से आए हैं? सवाई माधोपुर। क्यों आए हैं आप? इलाज करवाने के लिए। खुद का इलाज करवाने आए? यहाँ पे क्यों, कैसे आए आप? यहाँ पे ट्रेन से आए। यहाँ पे कैसे पहुँचे इस रैन बसेरे में? रैन बसेरे में रिक्शे में बैठ गए। ठीक है, कैसी व्यवस्था है? खाना भी मुफ्त मिलता है, खाना मिला आपको? बढ़िया व्यवस्था है। सोने के लिए सब बढ़िया व्यवस्था है। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं बताना चाहूँगा आपको सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि हमने अभी तक 11:30 से 12 बजे का समय हो रहा है, अभी रात के बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो व्यवस्था है वो माकूल व्यवस्था है। बाकायदा यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था की गई है, पानी की माकूल व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था की बात करें, रजाइयों की व्यवस्था की बात करें, तो कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पे जो नगर निगम की व्यवस्था की गई है, नगर निगम द्वारा व्यवस्था की गई वो बहुत माकूल है। कहीं ना कहीं जो संख्याएँ हैं ये सामने देखिए, एक व्हील चेयर पर भी शायद आ रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, अपाइज हैं पाँव से। सर आपका नाम जानना चाहेंगे पहले? सोनू। कहाँ से हैं? पंजाब से। यहाँ पे क्यों हैं? काम करने के लिए। क्या काम? अभी तक तो कोई मिला नहीं। कब आए थे यहाँ? कोई महीना एक। यहाँ पे क्यों आए, रैन बसेरे में क्यों आए? कोई रहने का ठिकाना नहीं था इसलिए इधर आए। कब से आ रहे हैं आप? पहली बार आए हैं? पहली बार आए नहीं, हो गए जाने का महीना हो गया इधर आते हो। कैसी क्या व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, खाने की
हैं, क्वालिटी की बात कर लें, बात कर लें सोने की व्यवस्था की बात कर लें, कोई दिक्कत कोई किंतु परंतु कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल ओके है। क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे सरकार को, ग्रेटर जो नगर निगम की मेयर हैं सुमे गुजरू, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा अगर कोई बेरोजगार उनको काम दिया जाए, कोई बात रेन बसर की हो रही है। अच्छा रहने बचाने की हो रही है, बाकी इसको कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब कुछ ओके है, बात मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, अच्छा अच्छी सुविधा इधर, कोई कोई दिक्कत नहीं है। शिकायत है कि रेन बसरों में पैसे भी लिए जाते हैं सोने के? नहीं, लगातार जो शिकायतें मिल रही थी नगरी मीडिया का, वो कहीं ना कहीं झूठ साबित हुई है। और बात करें जैसे हमने तीन चार से जो पब्लिक है बाहर से अंतरों से आई है उनसे बात की, उन्होंने साफ साफ नकारा ही चीज़ को। और व्यवस्थाओं की बात करें तो कहीं ना कहीं माकूल व्यवस्था बताई है, बात कर लें खाने की व्यवस्था करने की बात कर लें, खाने की बात के बाद में सोने की व्यवस्था कर लें, रजाइयों की बड़ी सर्दी में है वो भी अच्छी व्यवस्था है। हम एक चीज़ और दिखाएंगे आपको, महिलाएं भी कुछ यहाँ पे अलग से डिपार्टमेंट बाकायदा बना रखा है महिलाओं की, महिलाओं का, जिसमें भी महिलाएं कुछ यहाँ पे अभी रेनोवेशन में रुकी हुई हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। पहले हम यहाँ पे गार्ड साहब हैं यहाँ पे, उनसे बात कर लेते हैं। गार्ड साहब, किस तरह प्रकार देखते हैं कि लगातार जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है, कोविड को भी प्रकोप बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या व्यवस्था है कोविड को? सर कोविड को देखते हैं, अपने पास में सैनिटाइजर है, मास्क वगैरह कुछ हैं, कुछ अभी आने वाले हैं। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा कोई क्लाइंट आता है आपके पास कि मैं कोविड हूँ और मैं सो गया और मेरा बिस्तर किसी को दे दिया गया, तो आपके पास क्या व्यवस्था है, क्या सुरक्षा के इंतजाम हैं, क्या पूरी गाइडलाइंस हैं जो फॉलो की जा रही है यहाँ पे? सर पहले उसका अपन जो उसकी जो लेके आते हैं अस्पताल से जो भी पर्ची वर्ची लेके आते हैं उसको देखते हैं, अगर वो पाया जाता है कि कोविड का पेशेंट है तो उसके लिए अपन क्या है कि अलग से वो लास्ट में अलग से व्यवस्था करते हैं, उसका बिस्तर अलग ही होता है सर, उसके मिक्स नहीं करते उसमें। नगर निगम द्वारा क्या व्यवस्था की गई है कोविड को लेकर? नगर निगम द्वारा सर व्यवस्था अभी जारी है, अभी बोल रहे थे बोला आने वाली है व्यवस्था, जैसा अभी हाल फिलहाल में क्या व्यवस्था है वो बता दीजिए। अभी हाल फिलहाल में सर कुछ व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है हाल फिलहाल में कोविड को लेकर, ये कहना यहाँ की गार्ड साहब का है। गार्ड साहब आपसे निवेदन करूँगा थोड़ा महिला रूम दिखा दीजिए मुझे एक बार, क्योंकि हम लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी किस प्रकार से जो सरकार है वो लगातार नहीं बनी है, डबल इंजन की सरकार बनी है, और डबल इंजन की सरकार में कहीं ना कहीं देखिए ये पूरा महिला रूम है जहाँ पर महिलाएं आराम से रेस्ट कर रही हैं, एक महिला खड़ी हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। मतलब कई नाम आपको? मेरा नाम राज है। कड़े का आए हो? मैं तो यूपी की बात हूँ। यूपी क्यों? हाँ। यहाँ पे क्यों आए हो? मेरे मरीज है सर, पेशेंट है मेरा, लड़का है मेरा। कब से रह रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे है गया 6-7 दिन। खाना वाना मिल रहा आपको? बढ़िया रहते हैं, खूब व्यवस्था है रही है। पैसे भी लिए जाने की बात आ रही है, पैसे लिए आपने किसने? अब ये नहीं मिला है हमें। पैसे लिए किसने आपने यहाँ पे? डॉक्टर ने ले, यहाँ कोई छूने ले रहने सोने के? ना, कोई पैसे। एक महिला और भी उठ चुकी है। मैडम निवेदन करेंगे आप खड़े हो जाए थोड़ा सा। मैडम कहाँ से आए आप? राजस्थान से आए। राजस्थान में? राजस्थान आए, अलवर जिला से। क्यों आए आप? दिखाने के लिए आए। कब से रह रही हैं आप? हमको तो बहुत दिन हो गए, 2-3 साल यहीं आकर रुके हैं। बढ़िया व्यवस्था मिले, बढ़िया खाना मिले। हाल फिलहाल की बात करें, अभी फिलहाल की बात करें, क्या व्यवस्था है? या खूब खूब खाना दाना मिले, खूब बिस्तर मिले, बाथरूम वाथरूम लेटरिन जहाँ फ्री, कोई पैसा ना। ठीक है, आप क्या कहेंगे? आप भी यही है, सब सुविधा सही। कोई पैसे लेने की बात भी आई है? ना, कोई ना ले पैसों। आपको सम्मान मिल रहा है, तरीके से खाना मिल रहा है? हाँ, खूब बढ़िया मिल रहा। बिल्कुल, ये जो महिलाएं हैं यहाँ पे रुकी हुई हैं, बाहर के अंचलों से आई हैं, प्रदेश देश के विभिन्न अंचलों से यहाँ पे पहुंची हैं और लगातार अपनी रातें जो हैं वो काट रही हैं, क्योंकि इनकी मजबूरी, इनके पेशेंट्स जो हैं अस्पताल में भर्ती हैं, बगल में ही SMS का अस्पताल लगता है जहाँ पे देश प्रदेश के कई लाखों लोग रोजाना आते हैं और इलाज करने आ जाते हैं। उनके साथ पेशेंट जो आते हैं उनको दिक्कत होती है, होटलों के महंगे किरायों के चक्कर में रेन बसरों की व्यवस्था जो है कहने के सुचारू काम कर रही है भजनलाल की सरकार के लिए। ये सोन सोमे सोन नंबर, कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, नगरी मीडिया, जयपुर।